नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। नरसुल्लागंज थाने में ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क को लेकर की थाना प्रांगण में एसडीओपी प्रकाश मिश्रा ने प्रेस वार्ता। हमारे संवाददाता फिरोज खान ने बताया कि अब महिलाओं को शिकायत के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, अब एक ही स्थान पर महिलाओं की शिकायत का निराकरण किया जाएगा। इसको लेकर एसडीओपी प्रकाश मिश्रा ने मीडिया को बताया कि महिलाओं के लिए एक ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क कक्ष उपलब्ध कराया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि जिसमें केवल महिला अधिकारी बैठेंगी और जो महिलाएं शिकायत लेकर आएंगी उस पर खुलकर चर्चा कर सकेंगी, और साथ ही पीड़ित महिला एवं बालिकाओं को तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जाएगी और संबंधित शिकायत पर अंत तक जाँच करेंगी। और एसडीओ पर प्रकाश मिश्रा ने बताया कि डेस्क के माध्यम से महिलाओं को मेडिकल उपलब्ध कराना और संबंधित विभाग से जो महिलाओं के लिए सहायता आती है उसकी जानकारी उपलब्ध कराना यह विशेष मकसद रहेगा। नशुल्लागंज से एमपी न्यूज के लिए फिरोज खान की रिपोर्ट। साथ ही उनके केस को अंत तक फॉलो करना और विभिन्न विभागों से जो भी उनको राहत या अन्य प्रकार की सहायताएं दी जाती हैं उसके संबंध में उनको सहायता और जानकारी उपलब्ध कराना इस महिला ऊर्जा डेस्क का उद्देश्य है। कल इसका पूरे जिले में और पूरे मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन होगा और कल से यह सिर्फ अपना कार्य प्रारंभ कर देगी। इसके अंदर जो भी महिला थाने में अपनी शिकायत लेकर के आएगी उसकी सुनवाई महिला पुलिस अधिकारी द्वारा महिला ऊर्जा डेस्क। इसका उद्देश्य उसको एक सुलभ एवं सहज वातावरण उपलब्ध करवाना जिससे वह अपनी बात सहज रूप से वहाँ रख सकें। साथ में इसको जो भी जिस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, जानकारी की आवश्यकता है या अन्य जो भी उसको मदद है विभिन्न विभागों से वो भी उसको एक स्तर पर उपलब्ध कराने में पुलिस विभाग का महिला ऊर्जा डेस्क उससे सहायता करेगा। अभी इसका कोई जो लाभ हुई है मान लीजिए अभी देखिए थाना स्तर पर इसका उद्घाटन किया जा रहा है, थाना स्तर पर यह अपना कार्य करेगा। साथ में इसका कार्य यह भी रहेगा कि यह प्रोएक्टिव होकर के काम करेगा और जहाँ जहाँ महिला पर ज़्यादा घटित होते हैं उन स्थानों पर जाकर के जागरूकता कार्यक्रम भी महिला ऊर्जा डेस्क द्वारा चलाया जाएगा। और साथ में जो स्थान ज़्यादा महिला अपराध वाले हैं वहाँ पर अलग से पुलिस व्यवस्था के संबंध में भी महिला ऊर्जा डेस्क अपना कार्यक्रम आपको आवश्यकता है प्रदान करें। मतलब जरूरत पड़ेगी तो राहत विभिन्न कार्यक्रमों के लिए बिल्कुल आपके जो थाना क्षेत्र में जो सीमाएं लगती हैं यदि उसमें कहीं होता रहे कोई तो उसमें महिला जो है वहाँ पर कार्रवाई की पहुँचेगी है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, महिला वहाँ भी क्षेत्र में भी कार्रवाई के लिए जाएगी और आने पर तो सुनवाई करेगी। सर क्या कदम उठाया जाएगा? जागरूकता के लिए ऐसे क्षेत्र और बस्तियाँ चिन्हित की जाएंगी जहाँ पर जागरूकता की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है और जहाँ पर महिला का बहुत ज़्यादा घटित होता है, तो उन क्षेत्रों पर जाकर के हमारी महिला अधिकारी महिलाओं से पुरुषों से सभी से बातचीत करेंगी और उनको उनके अधिकार महिलाओं के अधिकार के बारे में जागरूक करेंगी। साथ में कोशिश ये करेंगी कि महिला अपराधों में जागरूकता। अधिकारियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए एसपी साहब के निर्देश हो गए थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। हमारे पत्रकार साथियों को असुविधा हुई कुछ खास खबरों के लिए,